हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू गाइस आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज मैं आया हूँ द ऑल न्यू रैपिड, स्कोडा रैपिड का रिव्यू करने। BS6 वेरिएंट है, न्यूली लॉन्च्ड। तो आज फुल डिटेल में जानेंगे कि गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुई हैं और क्या क्या नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो जल्दी से रिव्यू को स्टार्ट करते हैं एंड बस बाकी सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाओ लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हेयर इज़ इन फ्रंट ऑफ अस द ऑल न्यू स्कोडा रैपिड एम्बिशन मॉडल BS6 वेरिएंट। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू सी फ्रॉम फ्रंट, तो फ्रंट में कुछ ऐसा सा डिज़ाइन है ग्रिल का एंड ये क्लासिक डिज़ाइन, जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन आप कह सकते हैं स्कोडा की कार्स में आपको देखने को मिलेगा। बटरफ्लाई बेस्ड डिज़ाइन है ये, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है ये जब गाड़ी हाईवे पे दूर से ही एक डिफरेंट लुक देते हुए शो होती है। एंड ये फुल ग्रिल जो है मोनोक्रोम के साथ सराउंडेड है, ऊपर स्कोडा की बैजिंग न्यू रैपिड। देन नीचे की ओर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सेकेंड ग्रिल और है, प्लास्टिक में है बट इसे आप रेडिएटर ग्रिल कह सकते हैं काइंड ऑफ। एंड जो बम्पर डिज़ाइन है वो आपका बॉडी कलर के साथ है एंड बम्पर में भी काफ़ी ज़्यादा शार्प कर्व्स यूज़ किए गए हैं। सो अगेन स्पोर्टी लुक देता है फुल कार को। तो वहीं से अगर चले हम साइड की ओर, तो ये जो एम्बिशन मॉडल है इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, मैसिव वन। एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को भी सराउंड किया गया है मोनोक्रोम के साथ। अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लो बीम लाइट्स, देन नीचे DRLs एंड DRLs भी 6 chamber DRLs हैं। चेक दिस आउट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। सो काफ़ी ज़्यादा मैसिव हेडलैम्प्स हैं एंड हेडलैम्प्स के बीच में आपको ब्लैक पियानो फिनिश का डिज़ाइन देखने को मिलेगा अगर कैमरा जज कर पा रहा हो तो। अगर वहीं पे नीचे की ओर चलें तो अगेन मैसिव फॉग लैम्प्स, इतनी बड़ी फॉग लैम्प्स आपको और किसी कार में देखने को मिलेंगी नहीं। क्लोजली एक बार चेक कीजिए। नॉर्मली जो बाकी कार्स में फॉग लैम्प्स आती हैं वो छोटी होती हैं, वो होती हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं जिससे लाइट थ्रो काफ़ी बेटर होने वाला है एंड क्लियर विजन मिलेगा आपको रोड पे, चाहे आप रात में जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे। सो ये कुछ था फ्रंट प्रोफाइल। एक बार आप फुल फिर से चेक कर लो न्यू रैपिड का डिज़ाइन। एंड ये जो इसका बोनेट है, बोनेट में भी एक काइंड ऑफ ऐसे टेक्सचर सा उभर के यहाँ पे आपको शो होगा। टेक्सचर के बेसिकली कर्व्स दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा। हुड को यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग शेप में उठा के शो करता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है ये एंड एक गाड़ी को और भी ज़्यादा स्पोर्टी लुक मिलता है। अगेन वही चीज़ आपको साइड में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की ओर। साइड प्रोफाइल में एज यू कैन सी एम्बिशन मॉडल में आपको R15 अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। सो अलॉय व्हील्स काफ़ी ज़्यादा क्लासी एंड प्रीमियम है, ज़्यादा डिज़ाइनर टाइप नहीं है, सिंपल एंड क्लासिक। सो जो भी मतलब कि स्कोडा लवर्स हैं वो जानते ही हैं कितने बढ़िया लगते हैं ये स्कोडा की कार्स में। एंड अगेन टायर साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है तो रोड में ग्रिप की कोई टेंशन नहीं होने वाली है, लूजन ऑफ ग्रिप। सो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगी एंड अगेन सेम मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन। सो इफ़ यू चेक द ग्राउंड क्लियरेंस, मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एंड ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे कितनी है। तो वहीं पे बात करें इसके ORVMs की, तो ORVMs आपको इसमें बॉडी कलर्ड मिलने वाले हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। सो काफ़ी बढ़िया चीज़ है एंड डिज़ाइन एक अलग ही दे रहे हैं ये ORVMs। एंगल भी काफ़ी बढ़िया है, व्यूइंग एंगल। सो बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे सेम यहीं पे। एंड जो विंडोज़ है, विंडोज़ के अराउंड यहाँ पे आपको बीच में ब्लैक ग्लॉसी फिनिश एंड ये रबर टाइप मटेरियल
ग्लासेस जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे वो टिंटेड ग्लासेस हैं बेसिकली, एंड टिंटेड ग्लासेस काफ़ी बेटर लुक देते हैं एंड सन से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। सो ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। तो अब चलते हैं बैक प्रोफाइल की ओर और बैक साइड से जानते हैं गाड़ी कैसी है दिखने में। सो बैक साइड पे आने पे अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बैक लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। सो बैक लाइट काफ़ी ज़्यादा साइड तक है तो साइड में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस या लाइट थ्रो होने वाली है जिससे साइड से आ रहे पैसेंजर को भी किसी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। बैक में आपको यहाँ पे पार्किंग वाली जो है वो फॉग लाइट्स मिलती हैं तो जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाली है पार्किंग करते हुए भी। देन बैक इंडिकेटर्स ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं नॉर्मली जो कार्स में इंडिकेटर्स आते हैं उनसे। सो इसका भी लाइट थ्रो काफ़ी दूर तक होगा और काफ़ी बेटर होगा। देन 3 रियर पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कार में, काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स है पार्किंग सेंसर्स का। बैक बम्पर भी बॉडी कलर्ड में आपको देखने को मिलेगा एंड स्कोडा रिटन हेयर, स्कोडा ब्रांडिंग रैपिड। देन बैक से कुछ ऐसा सा है, रियर डिफॉगर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर बात करें गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में, सो इस गाड़ी में आपको 460 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलती है, अ मैसिव वन, एंड इजीली 4 लार्ज सूट केसेस आप इसमें इजीली रख सकते हैं। एंड वन थिंग ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ट्रंक लाइट, एंड वन थिंग कि ये जो आप प्लेट काइंड ऑफ थिंग देख रहे हैं ये बेसिकली एक सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से है। सो जब आप कभी ब्रेक लगाते हैं स्पीड में, आपने स्पीड में बिल्कुल स्लो करने के लिए ब्रेक अप्लाई की तो आपका जो सामान है वो डायरेक्ट आगे पैसेंजर को वहाँ जाके हिट ना करे सीट पे, उसके लिए काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है कि। सो काफ़ी बेटर चीज़ है ये। एंड अगर वहीं पे बात करें स्टेपनी व्हील की, सो इसमें आपको एक स्टेपनी व्हील मिल जाएगा विदाउट अलॉय एंड सम टूल्स। सो ये सब था बूट स्पेस के बारे में। एंड अगर वहीं पे बात करें इस गाड़ी के फ्यूल टैंक एंड माइलेज के बारे में, तो ये गाड़ी की में मिलता है आपको 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक, आई थिंक द मोस्ट इन सेडान रेंज। एंड जो इसकी माइलेज है वो भी कंपनी रिटर्न है 18.97 की, काफ़ी बेटर माइलेज है। सो ये सब था गाड़ी का एक्सटीरियर ओवरव्यू। अब बात करते हैं आगे चल के इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड। सो अगर इस गाड़ी के इंजन एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलेगा स्कोडा की एम्बिशन मॉडल में, एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स है इस इंजन का। 3-सिलेंडर इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 110 bhp ऑफ पावर एट 5500 rpm। एंड अगर वहीं पे बात करें इसके न्यू टॉर्क की, तो ये प्रोड्यूस करता है 175 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 4000 rpm। सो कंप्लीट इंजन कुछ ऐसा सा है। एंड हुड के इनसाइड आप स्पेसिंग भी चेक कर सकते हैं, तो स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है हुड के इनसाइड की, तो इजीली मैकेनिक जो है रीच आउट कर सकता है इन फ्यूचर अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो। सो काफ़ी बढ़िया। एंड स्ट्रेंथ एज यू ऑल नो कि स्कोडा कितनी बढ़िया स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है अपनी कार्स में। सो इंटीरियर में जाने से पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की कीज़ की। सो एक आपको एम्बिशन मॉडल में नॉर्मल की देखने को मिलेगी एंड एक फ्लिप की। सो फ्लिप की में आपको ट्रंक ओपनर के ऑप्शन एंड लॉक एंड अनलॉक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ऐसी सी कुछ है फ्लिप की। सो स्कोडा की कीज़ भी काफ़ी अलग डिज़ाइन की होती हैं। तो चलते हैं अब इंटीरियर की ओर। एंड फर्स्ट थिंग डोर। सो डोर्स को जब आप खोलते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 80 डिग्री वाइड एंगल ओपन मिलते हैं यहाँ पे डोर्स देखने को। सो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड आप अंदर देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्पेशियस है अंदर। जब मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा तब आपको पूरा सही अंदाज़ा इसका पता चल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ। एंड बेस्ट थिंग कि आपको स्कोडा की हर कार में यहाँ पे फ्रेमलेस डोर्स देखने को मिलते हैं। तो ये फ्रेमलेस डोर्स बेसिकली ऐसा कोई भी इंडियन कार्स में फ़िलहाल अभी तक देखने को नहीं मिला है। एंड अगर वहीं पे बात करें इसके
इंटीरियर की, तो ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है ब्लैक एंड बेज कलर में, एंड यहाँ पे कुछ कुशनिंग टाइप यूज़ की गई है कंफर्ट इंक्रीज करने के लिए, डोर हैंडल्स, एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पावर विंडो कंट्रोल्स, ऑल पावर विंडो लॉक, देन डोर लॉक अनलॉक एंड ORVM कंट्रोल विद जॉयस्टिक, एंड यहाँ पे आपको कोर क्रोम डोर अनलॉक्स मिल जाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे बूट ओपनर का आपको यहाँ पे ऑप्शन स्विच मिल जाता है, एंड 1 लीटर की वाटर बॉटल की इजीली कैपेसिटी यहाँ पे दी गई है, एंड पीछे यहाँ पे अम्ब्रेला वगैरह भी आप रख सकते हैं। सो डोर्स तो काफ़ी बड़ी हैं, बाकी चलते हैं अंदर की ओर और अंदर से देखते हैं अच्छे से। सो, अंदर जाने से पहले अगर मैं बात करूँ इसकी सीट्स की, तो इसमें आपको ब्लैक एंड बेज की डिज़ाइन के साथ यहाँ पे सीट्स देखने को मिलेंगी, मैक्सिमम बेज कलर का यूज़ किया गया है, एंड अपोल्स्ट्री काफ़ी ज़्यादा बेटर है, एंड आपको ब्लैक कलर में कुछ टेक्सचर सा देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो काफ़ी बढ़िया अपोल्स्ट्री लग रही है, एंड आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एंड सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आगे करेंगे बात। सो लेट्स गेट इनसाइड। सो अगर आप इस साइड चेक करते हैं राइट साइड पे, तो आपको एसी वेंट देखने को मिलेगा विद क्रोम मोनोक्रोम सराउंडेड, वहीं पे नीचे आपको यहाँ पे लाइट कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ से आप अपनी फॉग लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं, फॉग लाइट्स या हेडलाइट्स, एंड दिस इज़ बीम रेजर या लोअर, एंड वाइपर कंट्रोल्स, एंड वन मोर थिंग कि आपको जो फर्स्ट थिंग आपको देखने को मिलेगी वो है इसका स्टेयरिंग, एंड स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर डिज़ाइंड है। सो आप जैसे देख सकते हैं टी शेप में स्टेयरिंग है, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, देन स्टेयरिंग को बीच बीच में क्रोम डिज़ाइन दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। सो स्टेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, एंड टेलीस्कोपिक एंड टिल्टेबल स्टेयरिंग मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये कि आपको लो मॉडल से ही यहाँ पे टेलीस्कोपिक एंड टिल्टेबल स्टेयरिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको बेसिक एनालॉग देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड पे टैकोमीटर एंड राइट साइड पे स्पीडोमीटर, एंड इन बिटवीन एक छोटी सी स्क्रीन है। सो अभी फ़िलहाल कुछ कंपनी के रीजंस की वजह से ये हम इसे ऑन नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता इसकी वर्किंग वगैरह, बट कुछ ऐसा सा दिखता है। एंड अगर वहीं पर डैशबोर्ड की बात करें, सो गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सिंपल एंड क्लासिक लुक दे रहा है। सो बेसिकली ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कि ज़्यादा डिज़ाइंस का यूज़ नहीं किया गया है, सिंपल क्लासिक विंटेज लुक जो एक आपको कार में चाहिए, या कुछ लोग जो शौकीन होते हैं तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है कार। तो वहीं पर अगर बात करूँ तो एसी वेंट्स के अराउंड यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश यहाँ पर देखने को मिल सकती है, देन कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे हैजार्ड लाइट कार्ड एंड दिस वन आई थिंक फॉर ब्लोअर, देन यहाँ पे आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी एम्बिशन मॉडल में, देन टच स्क्रीन भी 7 इंचेस की टच स्क्रीन है, काफ़ी बढ़िया है, एंड USB पोर्ट ऑक्स पोर्ट मेमोरी कार्ड स्लॉट, एंड द बेस्ट थिंग कि आपको इसमें बेस मॉडल से ही आपको हर कार में ऑटो AC देखने को मिलेगा। सो ऑटो AC के कई सारे बेनिफिट्स हैं, कई बार मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, सो आप आई लिंक में जाके चेक कर सकते हैं वीडियोस के रिलेटेड। एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्पेस आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगी 2 कप होल्डर्स के साथ, 12 वॉल्ट का पावर सॉकेट, एंड इसमें आपको मिलता है 6 स्पीड ट्रांसमिशन एंड अ रिवर्स गियर। सो 6 स्पीड काफ़ी बढ़िया है यार, आई डोंट थिंक कि इस प्राइस पॉइंट में और किसी कार में 6 स्पीड ट्रांसमिशन आता हो। दिस इज़ हाउ द ऑल केबिन लुक लाइक, एंड ये जो गियर बॉक्स के अराउंड यहाँ पे ब्लैक ग्लॉसी फिनिश का यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेंटर आर्मरेस्ट, सो ये ओपन होता है और यहाँ पे छोटी सी स्पेस दी हुई है, फ़ोन वगैरह आप इसमें रख सकते हैं अपने ईजली या कीज़ वगैरह। सो आर्मरेस्ट काफ़ी बेटर है ये। सो यहाँ पर मिल जाती है हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट। सो अगर वहीं पे बात करें तो इसके जो IRVMs हैं ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल हैं, ऑटो डिमिंग IRVMs, एंड अगर वहीं पे सनशेड की बात करें तो इस साइड आपको मिलता है टिकट होल्डर के साथ सनशेड, एंड इस साइड चलें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर के साथ मिलता है सनशेड। तो इन मिडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी केबिन लाइट, सो केबिन लाइट भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, एंड
एज़ यूजुअल आई सेड कि गाड़ी में कुछ भी इस समय वर्क नहीं कर रहा है। एंड वहीं पे अगर इसके ग्लव बॉक्स की बात करें, सो ग्लव बॉक्स में काफ़ी मैसिव स्पेस आपको देखने को मिलेगी विद सनग्लास होल्डर। यहाँ पे मैसिव स्पेस है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, सो आई थिंक कि सामान रखने में कोई दिक्कत तो आने नहीं वाली है। काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स है यहाँ पे ग्लव बॉक्स का। तो एक बार फिर से साइड लुक यहाँ पे आप चेक कर लो। एंड सीट्स भी आपको इसमें बकेट स्टाइल सीट्स मिलेंगी, सो कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। सो अगर आप स्पेस की बात करें तो फ्रंट में आप चेक कर सकते हैं कि फ्रंट का लेग रूम कितना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। सो ये कुछ था फ्रंट के बारे में। अब चलते हैं बैक सीट्स की ओर और बैक से चेक करते हैं कि बैक से कैसा है रिस्पॉन्स एंड बैक सीट्स कितनी ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं। सो बैक साइड में भी चलें तो सेम वाइड एंगल डोर्स, सेम आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। बैक में भी कुशनिंग बैक में भी हो रखी है। देन सीट्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइंड है, कंफर्ट काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है आपका बैठते हुए। रियर में आपको आर्मरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अभी पॉली रैप्ड है तो आर्मरेस्ट आपको दिखा नहीं सकता हूँ। एडजस्टेबल हेडरेस्ट एट बैक भी आपको देखने को मिलेंगे। अंदर चल के बताता हूँ कि आपको लेग रूम एंड हाइट रूम कैसा है, हेड रूम वगैरह। अभी फ़िलहाल ये सीट्स मैंने एक्सटेंडेड बैक कर रखी हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। सो लेग रूम इसकी वजह से थोड़ा सा कम है। अगर मैं इसको नॉर्मली एडजस्ट कर दूं आगे तो लेग रूम काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलने वाला है इसमें आपको। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, सो एज़ यू कैन चेक मैक्सिमम थाई को ये कवर कर रही है। एंड अगर वहीं पे बात करें हेड रूम के रिलेटेड, तो हेड रूम आप मेरा यहाँ पे चेक कर ही सकते हैं कि कितना बढ़िया हेड रूम यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड वहीं पे ऊपर आपको बैक के लिए रीडिंग लाइट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी बैक पैसेंजर्स के लिए। देन डोर हैंडल्स एंड इंटीरियर काफ़ी बढ़िया है, फुल बेज इंटीरियर आपको टॉप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये भी इसमें काफ़ी बढ़िया क्लॉथिंग का यूज़ किया गया है, सो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है ये। चेक एट द बैक ऑल्सो। एंड अगर वहीं पे रियर में बात करें तो रियर में भी आपको यहाँ पे एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। देन एक कप होल्डर एंड 12 वाट का पावर सॉकेट। बाहर चल के अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स रिगार्डिंग एंड प्राइजेस रिगार्डिंग एंड फ्रॉम वेयर यू कैन बाय। सो एड्रेस वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर सकते हैं। सो अगर हम कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ABS EBD पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है विद 2 एयरबैग्स एंड चाइल्ड सेफ्टी पूरी देखने को मिलेगी। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स इसमें आपको मिलेंगे, विंडो लॉक एंड इवन डोर लॉक इंक्लूडिंग। एंड और अगर बात करें तो इसमें आपको क्रैश सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये कुछ था इसके सेफ्टी फीचर्स के रिगार्डिंग। सो ये जो एम्बिशन मॉडल है ये आपको एक्स शोरूम पे पड़ता है 9.99 लाख का, एंड ऑन रोड इन जम्मू की बात करें तो ये आपको पड़ता है 11.45 लाख के करीब। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द स्कोडा रैपिड, ऑल न्यू स्कोडा रैपिड BS6 वेरियंट रिव्यू। होप यू गाइस लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लीव अ लाइक, लीव अ कॉमेंट फॉर एनी सजेशंस, एंड डू follow me on Instagram too and subscribe to this channel for more amazing reviews. So till then, bye bye, be cool, be happy and enjoy your life.